शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस यही सलूशन है तेरी प्रॉब्लम का। नियति, तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेती है? कोई फायदा नहीं आरती, तेरे सजेशंस के बेसिक्स ही गलत हैं। अरे यार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और फिर तू सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस कर। सही और गलत का फैसला भगवान पे छोड़ देना। तो मुझे अंबर जीजू को फोन करने दे, मैं उन्हें अपने नाम से बुला लेती हूँ, और जब वो वहां पहुंच जाएंगे मेरी जगह वो पहुंच जाना। सिंपल। तुझे सब कुछ सिंपल लगता है ना? इट्स नॉट सिंपल, इट्स चीटिंग। जानती है ना, अंबर को धोखे और झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे सब पता है, लेकिन उन्हें ये बात कहाँ पता होगी? वो तो खुद ही अपने आप को भूले बैठे हैं। और फिर नियति, हो सकता है ना कि हमारी ये छोटी सी हार्मलेस चीटिंग से उनके दिमाग का कोई तार छट जाए और उन्हें सब कुछ याद आ जाए। नहीं आरती, मैं अंबर को सच के सारे वापस लाना चाहती हूँ, और अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, उसके बचपन के लिए। और अगर ये सब मैंने गलत का सहारा लेकर किया और अंबर को कुछ याद भी नहीं आया, तो उनकी नजर में मैं और गिर जाऊंगी आरती। उन्हें लगेगा कि ये झूठ मैंने उनसे मिलने के लिए बोला। नियति, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सुना मैंने, पहले भी तूने कहा, पर आरती प्यार मेरे लिए जंग नहीं है, और अगर ये जंग है तो ये जंग मैं बहुत पहले हार चुकी हूँ, और इस हार को भूल भी कर चुकी हूँ। और अब जो भी मैं कर रही हूँ वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। आरती, मैं अब इस जंग में नहीं हारना चाहती। एनी हाउ आई हैव टू विन दिस माई डॉटर। यस नियति, यू विल विन, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। और हम सब जानते हैं कि सच तेरे साथ है, पर अंबर नहीं जानते। और अब तो मुझे लगता है कि भगवान भी भूल गए कि सच और झूठ में फर्क क्या होता है। देखना, तभी तो इसलिए इतने सालों से भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। नियति, अब भगवान की तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब भगवान हेल्प ना करे ना, तो इंसान की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। नियति, तू मेरी बात मान रही है ना? I'm sorry आरती, तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरे लिए यही बहुत है, पर मैं झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ूंगी। देख आरती, अगर भगवान को मेरी परीक्षा लेनी है तो लेने दे, मैं भी परीक्षा देकर ही पास होंगी, चीटिंग करके नहीं। मॉम, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मॉम, सिर्फ डुग्गू को और मुझे घुमाने लेकर जा रहा है, हम खाना बाहर ही खाकर आएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। मॉम, पता है आज मेरे कमरे की घड़ी बंद हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सिड डुगू के स्कूल जाकर उसे टाइम पर ले आया, वरना मैं जाती तो पता नहीं कितना लेट जाती, और उतनी देर में पता नहीं डुगू का क्या हाल होता। बेटा, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मॉम, मैं आज ही अपने कमरे के लिए नई घड़ी ले आऊंगी। मैं घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिद की बात कर रही हूँ। उम्मीद करो कि उसने नियति को डुगू के स्कूल में ना देखा हो, और कोशिश करो कि जल्द से जल्द डुगू का स्कूल चेंज हो जाए, फिर जाकर समझेंगे कि सिद और नियति के मिलने के चांसेस 50% हमने कम कर दिया है। उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मॉम, मुझे तो अब तक यही नहीं सूझा है कि मैं डुगू का स्कूल चेंज करने के लिए अगर सिद से कहूँ तो आखिर इसकी वजह क्या बताऊँ? देखो नताशा, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब
उस पे कैसे चलना है ये तुम्हें तय करना है। मुझे कुछ सूझेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम इस तरह खाली हाथ पे हाथ धर के मत बैठो बेटा, कुछ सोचो, कुछ करो। मैं करूंगी माँ, अपना घर, अपना पति और डुगू के पापा को अपने पास रखने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ और सही वक्त देखते ही सिर से बात करती हूँ। यू डोंट वरी। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी दुनिया संभल नहीं जाती है मुझे तो टेंशन रहेगा ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। लेकिन एक बात मत भूलना बेटा, तुम्हारा और सिट का ये रिश्ता कच्चे धागे से बंधा है। अगर यादों की हल्की सी कैंची भी चल गई ना तो कुछ भी हो सकता है। और कोशिश करना कि तुम्हारे और सिट के बीच में कभी भी किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा ना हो। अगर रिश्तों की डोर एक बार टूट गई बेटा तो वो जुड़ तो जाती है लेकिन पहले जैसे नहीं हो पाती है, उसमें गांठ जरूर लग जाती है। आई नो मॉम, लेकिन इस बात का मेरे मामले से क्या लेना देना? लेना देना है बेटा। अगर सिट को ये मालूम चल गया कि तुम्हें ये पता था कि नियति शास्त्री बेंगलोर में रह रही है और तुमने उसको नहीं बताया तो बेटा तुम्हारे और उसके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। सो बी अलर्ट ऑलवेज। लगता है मिस्टर सिद्धार्थ राव आज भी ऑफिस से जल्दी निकल गए। चक्कर क्या है जीजू का? आजकल रोज घर जल्दी निकल जाते। लेकिन ऑफिस से निकलकर सीधा घर ही जाते हैं या फिर किसी बिजनेस मीटिंग में या फिर उस औरत से टाइम पास करने के लिए जाते हैं। इस बात का पता तो अब पता लगाकर ही पता चलेगा। अरे फ्रूटी, किसे फोन लगा रही है? नानी, डुगू को। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, हमेशा वो फोन करता है ना, इसलिए आज मैं उसको फोन कर दी, क्योंकि वो फिर सोच में पड़ जाएगा कि अंशिका तो कभी मुझे फोन ही नहीं करती। तभी तो मैं कहती हूँ कि हमारी फ्रूटी सबसे समझदार बच्ची है ना? वो तो मैं पहले से ही हूँ। अरे मेरी प्याली गुड़िया। चलो अब जल्दी से फोन लगा लो। चाय लीजिए। थैंक्स। हेलो, मैं डुगू की बेस्ट फ्रेंड ड्यूटी बोल रही हूँ। क्या डुगू है घर पे? डुगू घर पे नहीं है। कृष्णा, क्या हुआ मेरी गुड़िया, इसे फोन लेके क्यों खड़ी है तू? मम्मा, मैंने डुगू को फोन किया था लेकिन वो आंटी है ना, उनने कहा कि डुगू घर पे नहीं है, फिर वो उनने फोन काट दिया। जहाँ तक मुझे याद है आज सुबह से हमारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्यों, तुमने डुगू घर पे नहीं है कह के फोन पटक दिया, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि आज हमारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, तो फिर तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ,
तो एक बच्ची से इतनी बेरुखी से बात की तुमने? बच्चों से भला कोई इस तरह से बात करता है? ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, और घर का काम काज छोड़ के मैं ऐरे गहरे बच्चों से बात नहीं कर सकती। आपकी तरह न मैं खाली नहीं बैठी हूँ। अरे कमाल, ऐसा क्या कह दिया कि इतनी भड़क गई? सच कहते हैं लोग, रोज की देखी भली औरत भी कब किस बात पे भड़क जाए ये तो कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं, क्या पता उनके घर पर किसी नौकरानी ने फोन उठाया हो। अब उसे क्या पता कि आप कौन बोल रहे हो और आपको डुग्गी से क्या बात करनी है ना? आइसक्रीम खाएगी? हाँ मम्मा, जल्दी चलो, नानी जी आपके लिए भी हम लाएंगे और नाना जी के लिए भी। ठीक है बेटा, गुड गर्ल, चलो पर्स तो ले लूं। कौन हो सकता है डुगू के घर में जो एक बच्ची से इस तरह से बात करे? कहीं वो डुगू की माँ तो नहीं? मैंने भी ना खामखा इतनी बातें उन्हें बता दी, कहीं ये सब जानने की वजह से वो लोग डुगू से रोटी को दूर तो नहीं कर रहे ना? हेलो प्रिया। यस सर। कम ओवर इमीडिएटली। All right, sir, one second. Yes, sir. हाँ, प्रिया, वो जीजू, I mean, Mr. सिद्धार्थ, फोन नहीं उठा रहे हैं। अपने ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं सर, आज वो लंच से पहले ही चले गए। कोई जरूरी बिजनेस मीटिंग? नहीं सर, आज तो उनकी कोई मीटिंग नहीं थी, आज वो बस ऑफिस आए, आदर्स डॉक्यूमेंट साइन करके चले गए। कैसे डॉक्यूमेंट? रूटीन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ओके। तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। सर कुछ काम था। काम तो है ही, तभी तो बुलाया। बैठो ना। ओह गॉड, अब ये तुम हाथ पकड़ने का इशू मत बना लेना। ओके ये हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए नहीं पकड़ा था। ओके इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स की फाइल प्रिया को देनी है, मैं देकर आता हूँ। डैड जल्दी आना। बस यूं गया, यूं आया। प्रिया, ये प्रिया कहाँ चली गई? ये प्रिया को कहाँ ढूंढूं मैं? एक काम करता हूँ, ये फाइल देवांग को दे देता हूँ, वो प्रिया को दे देगा। ये देवांग अपने कैबिन को लॉक करके कहाँ चला गया? सर आप
प्रिया तुम अपने कैबिन में जाओ। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हुई क्या? कि तुम मुझसे पूछो कि तुमसे क्या गलती हुई? तुमने देखा नहीं तुम्हारे रूम का दरवाजा खुलते ही सारा स्टाफ तुम्हें और प्रिया को किस नजर से देख रहा था? हाँ देखा सर, और मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यही प्रॉब्लम, तुम हिंदुस्तानी हो कि जो अमेरिका में रहकर आते, क्या जरूरत प्रिया को अपने कैबिन में बुलाकर दरवाजा अंदर से लॉक करने की? क्यों सर, मैं तो हमेशा अपना डोर लॉक करके ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे काम के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं, और वही मैं आज कर रहा था। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं और प्रिया तो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आपको क्या लगता है कि मैं अपने एक ऑफिस की मामूली एम्प्लॉय के साथ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, तुम समझने की कोशिश करो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को टैबू माना जाता है, इसलिए आज के बाद तुम हिंदुस्तान में ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जो यहाँ पर सही नहीं मानी जाती। बट इट्स एन ऑर्डर, लुक देवा, तुम एक आदमी हो और प्रिया एक बेचारी मिडिल क्लास लड़की, अगर किसी ने एक बार भी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा ली तो हर लाइफ विल टर्न इनटू अ लिविंग हेल। ओके, आई एम सॉरी सर, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो और तुम्हें ये सब बातें पता नहीं। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना तो मैं उसका क्या हश्र करता तुम सोच भी नहीं सकते। सॉरी वन सेकेंड एंड थैंक्स फॉर बिलीविंग मी, आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और आज के बाद हमेशा मेरे केबिन का डोर खुला रहेगा। देखो देवांग, मैं जानता हूँ कि तुम किसी का भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं, बट बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके? पता नहीं सिद्धार्थ सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। प्रिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल जल्द से जल्द जमा करा दे। ओके सर। फ्यूचर में तो मुझे केयरफुल रहना ही पड़ेगा मिस्टर सिद्धार्थ राव। अरे किस बात का सिद्धार्थ और कहां का राव? तुम्हें ये नाम, ये सरनेम और ये सारा कारोबार मेरे मामा जी ने दिया है, और इस कंपनी में तुम मेरे बॉस सिर्फ तब तक हो जब तक तुम नताशा दी के हस्बैंड हो, और वो तुम कब तक रहोगे?